क्या आप लोग इन सभी नंबर्स के स्क्वायर को 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो जनाब वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी लेता हूं 30 सेकंड्स तो छोड़िए, उससे भी कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर दोगे। लेकिन कंडीशन ये है, आज की वीडियो में मैं उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर का ट्रिक बताने वाला हूं जिनके लास्ट में 5 आता है। जिनके लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। तो सबसे पहले बात करूंगा 2 डिजिट वाले, देन 3 डिजिट वाले, देन 4 डिजिट वाले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका 15 का स्क्वायर। सबसे पहले ध्यान से आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, फिर एक एक करके स्पीड हम तेज करेंगे। ओके चलिए। जनाब सबसे पहला स्टेप ये है, यहां पे क्या लिखा है आपका? 5 का स्क्वायर करो। 5 का क्या करो? स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहां तक क्लियर है? ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहां क्या लिखा है जनाब? 1 लिखा है ना। 1 से नेक्स्ट नंबर लो, 1 से अगला नंबर लो। तो 1 से अगला नंबर क्या है आपका? 2 है। सो 1 से अगला नंबर हो गया 2, देन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। देन दोनों को क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। तो देख सकते हैं आप लोग 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 5 होता है। आए समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जनाब, अभी आराम आराम से समझेंगे, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे अपनी स्पीड तेज करेंगे। ओके, सबसे स्टेप नंबर 1, ये जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 25। देन यहां पे क्या लिखा है? 2 से अगला नंबर क्या होता है आपका? 3। 2 से अगला नंबर क्या होता है? 3। देन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। सो 2 3 से कितना हो गया आपका? 6 आंसर। सो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ओके, सो सेम इसी तरीके से आपको 45 का स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर कैसे होगा वो देखिए। 5 का स्क्वायर करो कितना होगा जनाब? 25। क्लियर है? देन 4 से नेक्स्ट नंबर, 4 से अगला नंबर क्या होगा? 5। देन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 5 4 जा 20। सो 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025। आया बच्चे लोग समझ में? अब फटाफट अब आप लोगों को बताना है, जल्दी बताओ 95 का स्क्वायर क्या होगा? तो कहने का मतलब जनाब 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगला नंबर होता है 10, 10 into 9 90। सो जनाब 95 का स्क्वायर क्या होगा? 9025। आया बच्चे लोग समझ में? तो ये था 2 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर का ट्रिक, जिनके लास्ट में क्या होता है जनाब? 5 होता है। क्लियर हो गया? चलिए 3 डिजिट वाले नंबर्स की तरफ चलते हैं। अब मान लो ये 15 ना हो के अगर 105 होता, ये 125 होता, ये 145 होता और ये 195 होता, तो कैसे सॉल्व होते? अरे जनाब जैसे इन 2 डिजिट वालों को करा है ना आपने, वैसे ही ये भी होते। सो देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए जनाब, ये है आपका 105 का स्क्वायर। सेम वही प्रोसीजर यहां भी लगेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 25। और यहां पे क्या लिखा है? 10 लिखा है ना, तो 10 से अगला नंबर क्या होता है आपका? 11। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110। सो जनाब 105 का स्क्वायर कितना होता है? 11025। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, अब 125 का स्क्वायर बताना जरा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यहां पे 12 है, 12 से अगला नंबर क्या होता है आपका? 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 12 इंटू 13 कितना होगा? 12 इंटू 12 144 प्लस 12 156। ठीक है बच्चा लोग, अभी 145 देखिए, 145 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। क्लियर है? यहां पे 14 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 15 इंटू 14 कितना होगा? 15 इंटू 14 हो गया 210, क्योंकि 15 इंटू 15 होता है 225, उसमें से 15 कम करोगे तो 210 आएगा। क्लियर है जनाब? अब बताओ 195 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 19 से एक ज्यादा होता है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये हो गया 38025। है ना इजी जनाब, है ना इजी? अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहूं 4 डिजिट वालों को करने के लिए, तो कैसे करोगे? 4 डिजिट का नंबर है मान लो 100 1015, मान लो ये है, नहीं ये ले लो, इजी सा लेते हैं पहले
1005 का स्क्वायर है। तो कैसे करोगे इसको, देखिए ध्यान से, सेम वही प्रोसीजर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहां पे आपका 100 है, 100, तो 100 से अगला नंबर क्या होता है आपका बताना, 101, सो 101 को इस 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो करवाओगे तो क्या आएगा जनाब, 101 और डबल 0, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चा लोग? तो अब कभी भी ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 है उनको आप इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है जनाब, दो ही स्टेप तो फॉलो करने हैं, पहला लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके लिख दो, फिर आगे जो भी नंबर है, आगे जो भी नंबर है उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर ये आपका मिल जाएगा उस नंबर का स्क्वायर। लेकिन जनाब ट्रिक वही अप्लाई होगी, ट्रिक वही अप्लाई होगी जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। सो कैसे लगा बच्चे लोग आप लोगों को वीडियो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।